This lesson may we will go from scratch and we will try to customize our site using a drag and drop builder. So drag drop builders ki baat kare. So what are drag and drop builders? These are plugins which help you customize the look and feel of your website by using drag and drop level ke chote se widgets ya software. So agar aapko coding karni nahi bhi aati, jo ke अच्छा है बल्कि नहीं करनी चाहिए कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस साइट को कोडिंग के बगैर ही कस्टमाइज करना सीख जाएं, सो दैट्स द बेस्ट वे टू यूज वर्डप्रेस. क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अ फ्रीलांसर एंड अ स्मार्ट वर्कर. एंड आई एम होपिंग कि अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आप क्या करना चाहते हैं. अभी तक आप लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया होगा कि आप वर्डप्रेस को यूज करके हाउ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ and the life of others around you. Yaad rakhiyega, this is an opportunity for you to use this tool to change your life. Aur aap ban sakte hain WordPress ke superhero. Hum ummeed karte hain ki as you go through this learning journey, you would be able to learn the tips and tricks and the features which will change your life in many amazing ways. Wapis aate hain site customization pe. साइट कस्टमाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज से काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो, वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन की इस तरह की फीचर्स अवेलेबल नहीं थी. बट थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज यू कैन वेरी इजीली कस्टमाइज वर्डप्रेस एंड यूज ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर्स टू वेरी इजीली सी के आपकी साइट कैसी लगेगी लाइव. एंड वी विल लेट यू ट्राई दैट. बट बिफोर वी डू दैट, थोड़ा सा कस्टमाइज या कस्टमाइजर के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज़ द कस्टमाइज फीचर? कस्टमाइजर आखिर क्या होता है? सो यूजिंग द कस्टमाइजर यू कैन मॉडिफाई सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर वेबसाइट. इट्स अ फीचर दैट इज़ अवेलेबल नेटिवली ऑन वर्डप्रेस. सो होता क्या है कि जब आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, आपको एक मेन्यू दिखाया जाता है जिधर वेरियस ऑप्शन होती हैं, और वो ऑप्शन अगर आप चेंज करें, सो यू विल बी एबल टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट. कॉन्टेंट रिमेन्स द सेम. मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्टेंट आपका वही रहेगा, लेकिन जो थीम की नई फीचर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक्स, इट्स फील, इट्स अपीयरेंस, वो चेंज हो जाएंगी. सो डिपेंडिंग ऑन द थीम दैट इज करेंटली इन यूज, यू मे सी मोर और लेस ऑप्शन डिस्प्लेड इन द कस्टमाइजर वाली जो एक सेक्शन है. जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये जो पूरा सेक्शन है, यूजिंग दिस यू कैन कस्टमाइज योर साइट एंड चेंज द लुक एंड फील ऑफ द होल पैनल ऑफ योर साइट, जिस तरह ये दुनिया को नजर आएगी. वो जो छोटे से एरोज हैं जिनका मैंने आपको बताया था, जो पेंसिल की तरह के हैं, दे अलाउ यू टू एडिट डिफरेंट पार्ट्स. और लेफ्ट साइड पे जो आपको साइड बार नजर आ रहा है, दैट साइड बार विल अलाउ यू टू एडिट डिफरेंट सेक्शंस. सो ये आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द कस्टमाइजर फीचर ऑफ वर्डप्रेस. और जैसे जैसे आप चेंजेस को करते रहेंगे, राइट हैंड साइड पे वो चेंजेस आपको वैसे वैसे नज़र आती रहेंगी. दिस इज़ अ लाइव प्रीव्यू फंक्शनैलिटी दैट वर्डप्रेस ऑफर्स यू. याद रखें कि अगर आपको अपनी चेंजेस कर रहे हैं बैकएंड पे, तो वो चेंजेस आपके यूजर्स को नज़र नहीं आ रही. दोज चेंजेस आर ओनली फॉर यू, सिर्फ आप उन्हें देख सकते हैं. और जैसे मैंने आपको नीचे बताया कि कस्टमाइजर के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे एक हाइड कंट्रोल्स का बटन है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप अपनी साइट को लाइव देख सकें कि वो कैसी लग रही है. जब तक आप पब्लिश नहीं क्लिक करेंगे, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके कंज्यूमर्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए वो साइट लाइव नहीं होगी. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कस्टमाइजर के नीचे पैनल पे जो एक डेस्कटॉप का आइकन है या मोबाइल का आइकन या टैबलेट का आइकन है, उसको यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी साइट कैसे लगेगी और कैसे वो आपके कस्टमर्स को शो होगी. सो अब हम इसको एक लाइव तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे. एंड नाउ वी विल ट्राई टू कस्टमाइज़ इट विद अ न्यू थीम. तो एक नई थीम के साथ करेंगे.
So we'll be using a theme which I just installed. Let's go to appearance themes. And just slanted theme humne ek install ki hai. Let's activate that and let's try to see ki wo hume customization ki kya kya feature de raha hai. So slanted maine activate kar diya theme and this is how the theme looks on the front end. Agar main iski individual post pe jana chahun to iska content mujhe kuch aisa dikhai dega. I obviously want to change this. So I'll go to customize. अच्छा इससे पहले मैं कस्टमाइज पे जाऊं आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ये थीम कस्टमाइजेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है. आपने देखा कि मैंने जैसे ही ये थीम इंस्टॉल की वर्डप्रेस ने मुझे दिखा दिया कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स एएलएक्स एक्सटेंशंस मेटाबॉक्स रीजनरेट थंबनेल्स रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स डब्ल्यूपी पेज नेवी. सो आई कैन इंस्टॉल दीज थीम्स और आई कैन डिसमिस द नोटिस. इट्स रिकमेंडेड कि अगर आपको कोई थीम कह रही है कि ये प्लगइन इंस्टॉल कर दें तो प्लीज़ वो प्लगइन इंस्टॉल कर दें बिकॉज दोज थीम्स आर डिपेंडेंट ऑन फंक्शनैलिटी विद सर्टन टाइप ऑफ प्लगइन्स. सो मेरी आपको हाईली एक सजेस्टेड रिक्वेस्ट होगी कि ये ज़रूर कीजिएगा, प्लगइन इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा. और साथ साथ अब हम जाएंगे कस्टमाइज़ पे और हम देखेंगे कि हम इस थीम को फर्दर कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और ये कौन कौन से एरियाज़ को हमें कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन दे रही है. सो इस थीम को हम कस्टमाइज़ करने पे आते हैं तो ये देखें हमें एक ऑप्शन दे रही थीम ऑप्शंस के नाम से. सो यहाँ पे आई कैन चेंज द स्टाइलिंग ऑफ दिस होल वेबसाइट. आई कैन मेक इट ग्रीन इफ आई वांट टू और आई कैन यूज़ अ डार्क स्टाइल इफ आई वांट टू. ये देखें सो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया एवरी थीम विल गिव यू अ सेपरेट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स कस्टमाइजेशन. सो यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ. दिस डज नॉट लुक गुड तो आई गो बैक टू ब्लैक. आई कैन चेंज अदर होम पेज की सेटिंग्स है वो भी चेंज हो सकती हैं. एवरीथिंग कैन बी चेंज फ्रॉम दिस पार्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश. और अब मैं अपनी साइट लाइव देखूंगा टू सी के कैसा फ़र्क पड़ा. सो यू कैन सी दिस इज द डार्क थीम. अनदर प्लग इन दैट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइट में चेंजेस कर सकते हैं दैट इज साइट ओरिजिन. सो प्लगइन का नाम है पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन. मैं ये प्लगइन इंस्टॉल करूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू क्रिएट अ कस्टम पेज यूजिंग दिस पेज बिल्डर. प्लगइन एक्टिवेट हो गया है. आई विल गो ऑन एड न्यू पेज एंड अब आप देख रहे हैं देर इज अ न्यू मेन्यू आइटम जो कि मेरे टेक्स्ट एडिटर और विजुअल एडिटर के सामने नजर आ रहा है. इट्स कॉल्ड अ पेज बिल्डर. सो आई कैन गिव दिस पेज अ टाइटल. दिस इज अ न्यू पेज बिल्ट विथ पेज बिल्डर. हेलो दिस इज माई न्यू पेज एंड आई कैन क्लिक ऑन पेज बिल्डर टू सी के कैसे मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ. सो आई नाउ हैव ब्लॉक्स. मैं इन ब्लॉक्स को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ. लेआउट्स की ऑप्शन है मेरे पास. आप देख रहे हैं कि ये कुछ लेआउट्स मैंने लाइव ऐड कर दिए एंड आई विल क्लिक ऑन पब्लिश टू सी कि ये कैसा पेज लगता है. और आप इनको ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं. दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव. सो आई क्लिक ऑन व्यू पेज. एंड इस तरह का एक कंटेंट लेआउट यहाँ पे नज़र आना चाहिए बट बिकॉज इसके अंदर कंटेंट एडिड हो सकती नहीं है तो ये आपको वैसा नज़र नहीं आ रहा. बट यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस टू कस्टमाइज योर साइट फर्दर. दिस इज द पेज बिल्डर प्लगइन बाय साइट ओरिजिन. एंड इसी तरह मैंने आपको बताया कि आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं साइट को. सो प्ले अराउंड विद दिस. यूज़ वर्डप्रेस एज योर प्ले ग्राउंड. खास तौर पर 000 वेब होस्ट की अपॉर्चुनिटी ये है कि आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले अराउंड. सो प्ले अराउंड विद योर साइट एंड कीप अपडेटिंग अस ऑन योर प्रोग्रेस एज वी वॉन्ट टू हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल एज एन एंटरप्रेन्योर एज अ फ्रीलांसर एंड एज अ स्मार्ट वर्कर विद वर्डप्रेस.